अस्सलामुअलैकुम। नजम परफ्यूम्स यूट्यूब चैनल पर मैं अपने मोज़्ज़त नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। यूँ समझिए कि मैं समझता हूँ कि आज की जो वीडियो है, मेरी अब तक जो बनाई गई वीडियो हैं उनमें से सबसे एक मुश्किल तरीन और बहुत मुश्किल टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू है। और उम्मीद है कि जो मैंने आपको इस वीडियो के हवाले से शुरू में एक इंट्रोडक्शन करा दिया, तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो सारी देखेंगे। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं अपने बिलखसूस हमारे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको कुछ मैसेज, कुछ पैगाम देने की कोशिश है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो भी इस कारोबार में जो भी वाबस्ता हैं, जो सीनियर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, इंशाल्लाह मेरे मैसेज को सराहेंगे और अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि देखिए, अगर आज आपका एक बहुत वसी कारोबार है, आज आपके मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी दयानतदारी का यह नतीजा है, लेकिन कुछ गौर फरमाइए कि चंद सालों बाद जब आपने ये कारोबार शुरू किया, आप इस पोजीशन पर नहीं थे। ये सब अल्लाह का फजल आप पर हुआ। पहले तो ये कि जो भी है, ये सब अल्लाह का फजल है और उसको अल्लाह का फजल ही समझना चाहिए और अपने आप को नाचीज़ ही समझना चाहिए। ये सब अल्लाह का फजल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक मैसेज मैं ये ज़रूर दूंगा कि देखिए, चंद साल पहले जब आप उस स्टेज पर थे, आज कई लोग जिनको आप जानते हैं वो स्टेज पर है, यानी वो बिज़नेस के अंदर नए आए हैं और बिल्कुल वो उनकी कंडीशन ऐसी है कि जैसा एक पौधा जो है, जो बीज के ज़रिए जो पौधा ज़मीन से बाहर निकलता है तो कितना नन्ना सा, नाजुक सा होता है। अगर उसकी केयर ना की जाए, उसको मुनासिब उसकी देखभाल ना किए जाए, तो वो पौधा मुरझा जाता है। तो यही बिल्कुल कंडीशन हमारे नए बिजनेसमैन की होती है। तो मुझे भी कुछ इस वाले से तजर्बा हुआ कि मैं कुछ अपने मेरे साथ जो परफ्यूमरी बिजनेस के अंदर दो तीन हजरात को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने परफ्यूमरी बिजनेस शुरू किया लेकिन वो बेचारे उसमें कामयाब नहीं हो सके और शायद उनके नसीब में भी नहीं था। लेकिन मेरा एक इस हवाले से कुछ मेरे जो तजर्बात हुए, मेरा एक जहन बना कि अगर उनको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती, अगर जो सीनियर्स जो उनके साथ टच थे, जिनसे उन्होंने आइडिया लिया और उन्होंने अपना परफ्यूमरी बिजनेस का आगाज़ किया, उनकी तरफ से एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाती, अच्छे मशवरे मिल जाते और वो उनके साथ एक मुखलिस अंदाज के अंदर चलते, तो यकीनन आज उनका भी कारोबार अच्छा होता। तो आप ज़रा गौर फरमाइए कि अगर यही कंडीशन अगर आपके साथ होती शुरू में, आप कारोबार शुरू करते और आपके साथ कुछ लोग ऐसे व्यवस्था हो जाते हैं कि जो सिर्फ अपने ही नफ़े के बारे में गौर करते हो, जिनको अपने ही फ़ायदे की फ़िक्र हो, आपकी ना हो, तो शायद आप भी आज आप भी इस पोजीशन पर ना होते। तो मुझे उन भाइयों को बड़ा दुख है कि जिन्होंने ये कारोबार शुरू किया लेकिन उनको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिली और अच्छे डीलर्स नहीं मिले और वो इस हवाले से अच्छे मशवरे उनको नहीं मिले, तो वो इसमें फ्लॉप हो गए, उनको नुकसान हो गया और वो फिर सिफर, बल्कि सिफर से भी नीचे आ गए, उनके हौसले पस्त हो गए। तो मैं यहाँ पर उन सीनियर्स को तवज्जो दिलाऊंगा कि देखिए, एक वक्त आपका भी ऐसा ही था, आप भी अपने शुरू के देखे हालात को ना, तो ज़रा गौर फरमाइए कि अल्लाह का फजल है। लेकिन जो कोई इस तरह स्ट्रगल कर रहा है, किसी बिज़नेस के अंदर इंटर होने जा रहा है, तो सिर्फ अपना फ़ायदा ना सोचिए, अपना फ़ायदा सोचिए। इस अंदाज में आखिरत का फायदा, आप उसको जितना मोटिवेट कर सकते हैं, जितनी अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं, अगर आपके साथ कुछ उनसे लेन देन का मामला है, अगर वो आपसे कुछ सामान वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें भी अगर कुछ आपके साथ आसानी से तरकीब बन सकती है तो आप उनको थोड़ी कंसेशन दे सकते हैं, ये एक मशवरा है। अगर आपके अलावा वो कहीं से और से परचेजिंग करना चाहते हैं, तो आप उनको एक अच्छी मार्केट, अच्छे होलसेलर, उस हवाले से आप उनको ज़रूर गाइड करें। देखिए कि याद रखिए कि जो आपका नसीब है वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। अगर आपके नसीब में जो नहीं है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल सुई की ले लें, अगर वो सुई आपके नसीब में नहीं है, अगर सारी दुनिया मिलकर भी कोशिश करे तो वो सुई आपको दिला नहीं सकती। तो जो किसी का नसीब है वो हमें नहीं मिल सकता और जो हमारे नसीब है उनको नहीं मिल सकेगा। तो कर भला हो भला। तो मुझे वो दोस्त, उनका मुझे अब भी दुख है,
उन्होंने कारोबार शुरू किया लेकिन आखिर में वो फ्लॉप हो गए, उनका कारोबार ख़त्म हो गया। अब वो बेचारे दर बदर की ठोक रहे हैं, अब कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ जॉब ढूंढ रहा है, कोई और कारोबार की कोशिश में है। अगर आज उन्हीं भाइयों को अगर हम अच्छे अंदाज में लेकर चलते तो आज वो हमारे कस्टमर्स भी रहते, हमसे सामान भी लेते रहते, हमारा भी काम चलता रहता, उनका भी काम चलता रहता। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मैं समझता हूँ कि YouTube चैनल की जो मैं ये अपने जो वीडियो बना रहा हूँ ये सबसे मुश्किल वीडियो है, और कई दफ़ा बना के मैंने इसको डिलीट किया, और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी अंदाज़ में अपना एक मैसेज अपने बिजनेसमैन कम्युनिटी तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। कि कोशिश कीजिए कि अगर कोई नया है इस बिज़नेस में आ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आप ज़रूर उसके साथ तआवुन फरमाइए। हो सकता है अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे बड़े बड़े डीलर्स के साथ मिलने की जब मौका मिलता है, जब उनसे डीलिंग होती है, तो अपने फ़ज़ाइल बहुत बताते हैं कि जनाब मैं रोज़ाना इतनी रकम जो अलग से रख देता हूँ गरीबों की मदद के लिए, माहाना में इतने पैसे गरीबों में तकसीम कर देता हूँ, इतनी मेरी सालाना फुला मदरसे में जाती है, वो सारे अपने फ़ज़ाइल तो बता रहे हैं। लेकिन क्या हम क्या हमारी ये जहन है कि हम सिर्फ हमारी दुकान पे कोई हाथ फैला कर आए तो उसी की मदद की जाए? देखिए, आपने भी एक मशहूर वाक़या सुना होगा कि एक बेकारी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ भीख मांगने के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया, और उन्होंने अपने एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म फरमाया, एक कुल्हाड़ी और उसका एक दस्ता मंगवाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दस्ता ख़ुद लगाकर उनको पेश किया और उनको दिया कि आप जंगल में जाइए और लकड़ियाँ काट कर इसको बेच के अपने घर का गुजर बसर की तरकीब बनाइए। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और तालीम है। तो हमें क्या हो गया? क्या हमारे पास कोई बिल्कुल कंगाल होकर आए, हाथ फैला कर आए तो हम उसकी मदद करें? अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और कोशिश कर रहा है और हमें पता है इस बेचारे के हालात ऐसे हैं, इन बिज़नेस में नया है, इसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम वहाँ पर जहाँ पे खर्च कर रहे हैं, दुकान पे आने वाले रोज़ाना के सैकड़ों फ़कीरों को हम पैसे दे रहे हैं, हमें पता नहीं कि हकदार है या नहीं हकदार, लेकिन हमें पता है कि बंदा कोशिश कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है अपने घर वालों का बोझ उठाने के लिए, तो क्यों ना हम इसके साथ अच्छी नीयत के साथ इसके साथ तआवुन करें, जो हमसे हो सकता है अच्छी गाइडलाइन दें, जो हमसे इन्होंने लेना है चलिए मुनासिब रेट पर आप उन्हें दीजिए। कारोबार है, अगर आपने उनको किसी वो अगर आपको छोड़कर किसी और मार्केट की तरफ, किसी एक और होलसेलर की तरफ जाना चाहता है, आप उसको अच्छी गाइडलाइन दें कि भाई आप वहाँ से ख़रीदिए, यहाँ से लीजिए, चल आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं अपने उन बिजनेसमैन कम्युनिटी, अपने बिजनेसमैन, अपने सीनियर्स को मैं मशवरा देना चाहूँगा कि अगर बिलफर्ज़ आपके साथ कोई ऐसा टच हैं जो जूनियर्स हैं जिनका कारोबार नया है, वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें उनके भलाई का मामला कीजिए, उनकी खैरख्वाही करें, उनकी खबरगिरी करें, आप उनसे रابطے में रहें, उनको अच्छे मशवरे दें, उनको गाइडलाइन दें, उनकी हौसला अफजाई करते रहें। अगर कहीं कुछ नाकामी या कारोबार कम या ज़्यादा कम होता है, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाइए, तो इंशाल्लाह करबला हो बला, इंशाल्लाह हम किसी के साथ भलाई करेंगे, अल्लाह पाक हमारे साथ भी भलाई का मामला फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।